तो फाइनली भाई अब वो टाइम आ गया एंडर ड्रैगन को डिफीट करने का। जी हाँ गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। तो आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे सर्वाइवल एपिसोड 12 में। एंड जिसने भी तक एपिसोड 11 को नहीं देखा तो भाई आप लोग यहाँ पे बाद में देख लेना। फाइनली भाई अब जाकर के एंडर ड्रैगन के मारने का टाइम आ गया है। बट यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर चैनल पर न्यू या पहली बार है तो जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ गाइस, इधर से ना चैनल की रीच बहुत ही ज्यादा डाउन चले तो प्लीज आज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते अपने सर्वाइवल सीरीज एपिसोड 12 को। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहाँ पर पहले ही सोच लिया था गाइस इस वाले एपिसोड में ना मैं यहाँ पर एंडर ड्रैगन को मारने जाऊंगा तो जाऊंगा। एंड इसीलिए गाइस आप लोगों के पर दिख तो गाइस मैंने यहाँ पर अपने टूल्स एंड यहाँ पर आर्मर्स पे कुछ एंचेंटमेंट लगा लिए। उतना हेवी तो एंचेंटमेंट नहीं लगे, बस गाइस आप लोगों के पर दिख तो गाइस मैंने अपने सारे आर्मर्स पे मेंडिंग का एंचेंटमेंट लगा दिया। बस गाइस अपने यहाँ पर टोपी पे कुछ तो एंचेंटमेंट लगाया, वो गाइस यहाँ पर याद नहीं आ रहा। एंड भाई आप लोग यहाँ पर ये देखो गाइज, मैंने अपने कुत्ते को गाइज यहाँ पर कितने दिन से नहीं उठाया यार, तब से वहीं पे वहीं बैठा हुआ ये। एंड भाई मैं यहाँ तक तो इसका नाम भी भूल गया था यार, देखो इसका नाम यहाँ पर टोमी एफएफ रखा था मैंने। खैर छोड़ो भाई, इसको यहीं पे बैठे रहने दो, अपने लोग यहाँ पर काम पे ध्यान देते हैं। क्या इतना बुरा हूं मैं? ऐसा थोड़ी ना भाई, इसको छोड़ देंगे यार, इसको भी लेके चलेंगे यार। और वैसे भी भाई ये हमारे वर्ल्ड का पहला दोस्त है यार, इसको मैं कुछ होने के लिए नहीं दूंगा। लेकिन गाइस अभी जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि भाई पहले यहाँ पर नेदर में जाकर गाइस यहाँ पर काफी सारे ब्लेज रॉड को इकट्ठा करने हैं, फिर गाइस यहाँ पर जाना एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। बट यार सबसे पहले तो गाइस हम लोग यहाँ अपने सॉर्ड को पावरफुल बनाते हैं। एंड इसमें गाइस यहाँ पर लगी हुई शार्पनेस 3 की एंचेंटमेंट, लेकिन गाइस मुझे यहाँ पर लगाना है शार्पनेस 5 की एंचेंटमेंट। मेरे पास एक पहले यहाँ पर लाइब्रेरी है शार्पनेस 5 जो की गाइस यहाँ पर दे रहा है। एंड उसके लिए गाइस सबसे पहले मुझे यहाँ पर चाहिए होगा काफी सारा एमराल्ड, इसलिए गाइस मैं यहाँ पर जल्दी से फटाफट से काफी सारे स्टिक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। बट यार एक सेकंड गाइज, यहाँ पर मेरे ट्रेडिंग हॉल के ऊपर गाइज यहाँ पर एक वॉन्डरिंग ट्रेड रेस्पॉन हुआ, फटाफट से चलते हैं गाइज इसका ट्रेड चेकआउट करते हैं। अबे यार ये क्या फालतू ट्रेड लेके आया है। ओके सो लेट्स गो भाई, अब यहाँ पर जल्दी से काफी सारे स्टिक्स से गाइज मैं यहाँ पर कुछ एमराल्ड को ट्रेड कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत एमराल्ड की ट्रेडिंग करने के बाद गाइस मैं यहाँ पर पता नहीं यहाँ पर एक बो को भी ट्रेड कर लेता हूँ। एंड गाइस ये तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ये रहा यहाँ पर वो विलेजर जो कि गाइस यहाँ पर शार्पनेस 5 दे रहा है। भाई इससे ट्रेड करने के लिए गाइस मुझे यहाँ पर एक बुक भी चाहिए होगा, बट गाइस मेरे पास तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही एमराल्ड यार, गाइस मुझे यहाँ पर एक एमराल्ड और चाहिए होगा, तो गाइस मैं यहाँ पर ट्रेड करके ले लूंगा। बट गाइस पहले यहाँ पर चलते हैं गाइस यहाँ पर जल्दी से कुछ बुक्स को लेके आते हैं। गाइस मैंने अपने घर पे ना गाइस यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर में गाइस मैंने पर काफी सारे बुक्स को गाइस यहाँ पर डेकोरेशन के लिए रखे थे, तो चलो गाइस वहाँ से गाइस मैं यहाँ पर कुछ बुक्स को निकाल लेता हूँ। ये देखो गाइस मैंने यहाँ पर इसी के अंदर गाइस यहाँ पर काफी सारे बुक्स को रखे थे, फटाफट से गाइस मैं यहाँ पर से कुछ बुक्स को निकाल लेता हूँ। ओके तो गाइस वो रहा यहाँ पर फ्लेचर, जल्दी से गाइस मैं यहाँ पर कुछ एमराल्ड को ट्रेड कर लेता हूँ। तो भाई यहाँ पर आ गए यहाँ पर 6 एमराल्ड, तो भाई मैंने यहाँ पर से ले लिया 6 एमराल्ड। जल्दी से चलते हैं गाइस यहाँ पर शार्पनेस 5 की बुक परचेस कर लेते हैं। एंड भाई मैं यहाँ पर लगे हाथ गाइस यहाँ पर एक इन्फिनिटी की बुक भी परचेस कर लेता हूँ, इससे गाइस क्या होगा गाइस हम लोग के यहाँ पर एरो का झंझट खत्म हो जाएगा, अनलिमिटेड एरो गाइस हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अब इस पे गाइस मैं पर जल्दी से शार्पनेस 5 का एंचेंटमेंट लगा देता हूँ। एंड गाइस मैं यहाँ पर बो पे इन्फिनिटी का एंचेंटमेंट लगा देता हूँ। ऑलराइट भाई, तो अब ये गाइस यहाँ पर स्वॉर्ड बन चुका है पावरफुल, क्योंकि भाई इसमें यहाँ पर शार्पनेस 5 की एंचेंटमेंट लगी हुई है। एंड भाई आप लोग यहाँ पर इस चेस्ट के अंदर देख सकते हो गाइस मैं यहाँ पर कितने सारे एंचेंटमेंट बुक लाया था माइंड साफ से लूट करके, लेकिन गाइस अभी तो ये कोई काम का नहीं है भाई, यहाँ पर दो दो एंचेंटमेंट साथ में लगे हुए हैं। उनसे गाइस मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही बुक काम का मिला जो गाइस यहाँ पर था पावर 3 का, एंड इसको गाइस हम लोग यहाँ पर बो में लगाकर गाइस यहाँ पर पावर और बढ़ा सकते हैं बो का। तो चलते जल्दी से गाइस मैं यहाँ पर बो पे एंचेंटमेंट लगा लेता हूँ। फिर उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर आया तो अपने एक्सी फार्म पे, एंड वहाँ पे आने के बाद गाइस मैं यहाँ पर कुछ पोशन ले लेता हूँ जो कि गाइस यहाँ पर होता है इंस्टेंट हेल्थ का। ओके तो भाई अब हमारे तरफ से गाइस यहाँ पर फुल प्रोटेक्शन हो चुकी है। एंड अब गाइस मुझे यहाँ पर जल्दी से जाना होगा नेदर में, एंड वहाँ से गाइस मैं यहाँ पर काफी सारे ब्लेज रोड को लेके आऊंगा। एंड यहाँ से गाइस मुझे यहाँ पर मिल जाता है काफी सारा ऑब्सिडियन, एंड गाइस मुझे यहाँ पर एक फ्लिंट एंड स्टील भी मिलता है। एंड गाइस ये मुझे कहाँ और कैसे मिला इसके लिए गाइस आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा एपिसोड 1। एंड इसी वाले चेस्ट से गाइस मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं दो गोल्ड के ग्लोव, एंड गाइस मुझे यहाँ पर कुछ एप्पल भी मिलते हैं, तो इन्हीं से गाइस मैं यहाँ पर क्राफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ गोल्डन एप्पल। एंड मेरे पास वो गज यहाँ पर थोड़ा बहुत खाना था, उसको गज मैं यहाँ पर पकने के लिए देता हूँ कैंप फायर पे। तो फाइनली भाई अब जाकर के हम लोग यहाँ पर फुल रेडी हो चुके हैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। एंड गाइस मैं तो आप लोग यहाँ पर एक चीज बताने ही भूल गया गाइस, मैं अपन एंडर ड्रैगन को मारने के साथ साथ गाइस मैं यहाँ पर एक इलाइट्रा भी लेके आऊंगा। बट गाइस मैं आप लोग से यहाँ पर एक चीज और कहना चाहता हूँ गाइस, आप लोग यहाँ पर मेरी वीडियो यहाँ तक देख लो इसका मतलब गाइस आप लोग क्या मेरी वीडियो देखने में मजा आ रहा है, तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि भाई यार काफी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। ओके तो गाइस मैंने यहाँ पर जितना भी खाना गाइस यहाँ पर कैंप फायर पर दिया था पकने के लिए, उसको गाइस मैं यहाँ पर जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके गाइस मुझे यहाँ पर जाना होगा नेदर में, वहाँ से गाइस मुझे पर काफी सारे ब्लेजर को इकट्ठा करने हैं, इसलिए गाइस मैं पर 4 गोल्ड को जमा रहे गाइस मैं पर क्राफ्ट कर लेता है गोल्डन बूट्स। ओके सो लेट्स गो इन नेदर। एंड भाई सामने में ना गाइस यहां पर एक रुइंड पोर्टल है, तो उसी को गाइस मैं पर कंप्लीट करके गाइस यहां पर जाने वाला हूं नेदर में, तो चलते हैं गाइस यहां पर जल्दी से। तो भाई जल्दी से चलते हैं नेदर में, भाई यहां पर देखते हैं गाइस हम लोग का कैसा स्पॉन मिलता है। तो यार हम लोग नेदर में आ चुके हैं भाई, यहाँ पर स्पॉन देखने से तो लग रहा है गाइस मुझे यहाँ पर केव में स्पॉन दे दिया है। गाइस मैं तो यहाँ पर कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स लाना ही भूल गया यार, फटाफट से गाइस मैं यहाँ पर नेदर एग को ही कलेक्ट कर लेता हूँ।
ओके सो गाइस अब हम लोग यहाँ पर जल्दी से ढूंढ लेते हैं भाई यहाँ पर बाहर जाने का रास्ता। एंड वेट अ सेकंड भाई, मुझे यहाँ पर कुछ ग्लोस्टोन दिख रहे हैं, वहाँ पे जल्दी चलते हैं गाइस कलेक्ट करने के लिए। एंड भाई ये क्या है भाई, मुझे यहाँ पर फाइनली यार दिख गया बाहर जाने का रास्ता। बट लगे हाथ गाइस मैं यहाँ पर कुछ ग्लोस्टोन के भी कलेक्ट कर लेता हूँ, ये गाइस मुझे यहाँ पर पोषण बनाने के काम आएंगे। ओके तो भाई मैं आ चुका हूँ बाहर। एंड गाइस मुझे यहाँ पर देखने से लग रहा है गाइस ये मुझे ऊपर स्पॉन दिया है, मुझे तो लग रहा था गाइस ये मुझे यहाँ पर नीचे स्पॉन देगा, बट गाइस मुझे यहाँ पर ये ऊपर ही स्पॉन दे दिया। एंड अब गाइस मुझे पर जल्दी से ढूंढना होगा गाइस यहाँ पर नेदर फोर्ट्रेस। भाई यार मैं कब से यार इधर उधर घूम रहा था लेकिन गाइस मुझे यहाँ पर नेदर फोर्ट्रेस दिखाई नहीं। एंड भाई तुम लोग ये देखो गाइस ये हम लोग के ठीक नीचे गाइस यहाँ पर नेदर फोर्ट्रेस था, मैं तब से गाइस इसको देख ही नहीं रहा था। तो भाई फाइनली यार मुझे यहाँ पर नेदर फोर्ट्रेस तो मिल चुका है। एंड अब गाइस यहाँ पर बिना देरी के मैं जल्दी चलता हूँ नेदर फोर्ट्रेस में। एंड वहाँ से गाइस मैं पर जल्दी से कलेक्ट करता हूँ काफी सारे ब्लेज रोड को, पर सबसे पहले तो गाइस मुझे पर नीचे संभल संभल के जाना होगा, गाइस मैं पर गिरा तो गाइस मैं पक्का मर जाऊंगा। ओके तो भाई आप जल्दी चलते हैं गाइस यहाँ पर नेदर फोर्ट्रेस में। एंड गाइस मुझे पर सामने में गाइस यहाँ पर ब्लेज स्पॉनर दिख रहा है, बट गाइस मेरे स्वागत के लिए गाइस यहाँ पर एक ब्लेज रोड पहले ही आ जाता है गाइस यहाँ पर मरने के लिए। तो फिर क्या था भाई मैं जल्दी से उसको मार देता हूँ। ओ भाई यार मैं आप लोग के पर क्या ही बताऊं गाइस, मुझे पर रास्ते में काफी सारे ब्लेज मिल रहे हैं। मुझे तो लगता है गाइस यहां पर स्पॉनर पे जाने से पहले गाइस मुझे यहीं पे काफी सारे ब्लेज रोड मिल जाएंगे। एंड गाइस ऐसा ही मेरे साथ होता है गाइस, आप लोग यहां पर खुद ही देखो गाइस मुझे पर रास्ते में कितने ज्यादा ब्लेज मिलते हैं। एंड गाइस मैं यहां पर उसको मारते मारते गाइस आप लोग यहां पर खुद ही देख लेना गाइस मुझे पर कितने ज्यादा। गाइस आप लोग यहाँ पर देखते हो गाइस मुझे यहाँ पर एक विदर स्केलेटन का हेड भी मिल चुका है। एंड भाई पता नहीं गाइस ये लोग मुझे यहाँ पर स्पॉनर पे जाने ही नहीं दे रहे भाई, रास्ते में ना गाइस यहाँ पर इतने ज्यादा विदर स्केलेटन गाइस यहाँ पर ब्लेजेस स्पॉन हो रहे हैं गाइस मैं आप लोग के ऊपर क्या ही बताऊं। एंड इसी मौके गाइस यहाँ पर फायदा उठा के गाइस मैं यहाँ पर से इतना ब्लेज रोड को इकट्ठा कर लेता हूं। A few moments later. All right, guys, तो मैंने अपने इधर पोर्टल में से गाइस मैंने अपने इन ब्लेजर को इकट्ठा कर लिए हैं। एंड अब गाइस मुझे पर कलेक्ट करना होगा गाइस यहां पर काफी सारे एंडर पल को, जिससे गाइस मैं पर आई ऑफ एंडर बना सकूं। एंड अगर गाइस आप लोग यहां पर स्टार्टिंग में देखे हुए गाइस हम लोग का स्पॉन गाइस यहां पर उसी बायोम के आसपास हुआ था जहां पे गाइस यहां पर एंडर मैन स्पॉन होते हैं। एंड आई थिंक भाई वो बायोम यहां पर हमारे स्पॉन के आसपास ही होना चाहिए, तो भाई जल्दी से गाइस हम लोग यहां पर उस बायोम को भी फाइंड कर लेते हैं। भाई फाइनली यार गाइस मुझे यहाँ पर एक टनल बनाकर गाइस मुझे पर सीधे माइनिंग करना पड़ा। एंड अब देख रहे गाइस मुझे यहाँ पर वो बायोम दिख चुका है। एंड भाई आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हो भाई मुझे यहाँ पर एक बेस्टियन भी मिल चुका है, बट गाइस अभी मैं यहाँ पर इस बेस्टियन को नहीं लूटूंगा यार, क्योंकि भाई यहाँ पर वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो गाइस हम लोग यहाँ पर इस बायोम में गाइस यहाँ पर आए थे हम लोग यहाँ पर काफी सारा एंडर पर कलेक्ट करने के लिए, तो फटाफट से गाइस मैं आपको उसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल राइट गाइस तो मैंने यहाँ पर से गाइस यहाँ पर टोटल 11 एंडर पल कलेक्ट कर लिए हैं, और सबसे गाइस मैंने यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्गहोल्ड में देखा था गाइस वहाँ पर पहले से एक आई ऑफ एंडर लगा हुआ था, इसलिए गाइस मैंने यहाँ पर टोटल 11 एंडर पल कलेक्ट किए। सो फटाफट से चलते अपने घर। एंड फिर गाइस यहाँ पर अपने बेस पैनल का गाइस मैं फटाफट से भागता भागता जाता हूँ, जाकर के सो जाता हूँ। The next day. फिर उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पर जितने भी सामान कलेक्ट करके लाए थे उसको गाइस मैं यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ एक चेस्ट में। एंड नाउ अब गाइस मुझे यहाँ पर बनाना होगा पोशन ऑफ स्ट्रेंथ। एंड उसके लिए गाइस मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ने वाले ब्रूइंग स्टैंड की, बट गाइस मेरे पास तो वो चीज है ही नहीं यार। हाँ भाई याद आ गया, मुझे पता है वो चीज कहाँ मिलेगा। ये देखो भाई विलेज में इस टाइप का घर होता है ना गाइस, इसी के अंदर यहाँ पर रहता है ब्रूइंग स्टैंड। तो फटाफट से चलते हैं गाइस इसके अंदर। एंड भाई ये देखो वो चीज मिल गया मुझे, चलो गाइस जल्दी से इसको लेके चलते हैं अपने बेस पे। और लेट गाइस तो जब तक के लिए गाइस इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, और इस वाली चेस्ट से गाइस मैं यहाँ पर कुछ ग्लासेस को ले लेता हूँ, जिससे गाइस मैं यहाँ पर ग्लास बोतल बनाऊंगा। तो फटाफट से गाइस यहाँ पर क्राफ्ट कर लेते हैं पोशन ऑफ स्ट्रेंथ, बट सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर जल्दी से 11 आई ऑफ एंडर को क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास यहाँ पर 11 एंडर पल ही है। ओके तो गाइस फटाफट से गाइस मैं अपने सारे वाटर बोतल को गाइस इसके अंदर डाल देता हूँ। बट वेट ए सेकंड भाई, मैंने यहाँ पर नेदर वॉट लाना ही भूल गया यार। शिट भाई यार अब फिर से जाना होगा नेदर एंड वहाँ से कलेक्ट करके लाना होगा गाइस यहाँ पर नेदर वॉट। एक तो भाई ऐसे यहाँ पर 9 मिनट की वीडियो बन चुकी यार, अब ऐसे यहाँ पर टाइम बहुत ही ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। बट यार जब तक तुम लोग यहाँ पर इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस मैं तुरंत जाता हूँ यहाँ पर नेदर वॉट को कलेक्ट करके लेके आता हूँ। ये देखो भाई तुम्हारे यहाँ पर वीडियो लाइक करने से पहले ही गाइस मैं नेदर वॉट को लेके आ चुका हूँ। गाइस इसको यहाँ पर उतना ढूंढना नहीं पड़ा, बस गाइस मुझे पास में ही मिल गया था। गाइस मैं यहाँ पर जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तभी गाइस मुझे ये चीज मिल गया, बट गाइस मुझे याद नहीं आया कि गाइस मैं यहाँ पर इसे पोषण बना सकता हूँ, इसलिए गाइस मैंने इसको कलेक्ट नहीं किया। ओके तो गाइस मैंने यहाँ पर पोषण बनाने के लिए गाइस यहाँ पर सारा सामान को कलेक्ट करके ला चुका हूँ। सब गाइस यहाँ पर जल्दी से क्राफ्ट कर लेते हैं पोषण ऑफ स्ट्रेंथ को।
ऑल राइट भाई, तो फाइनली गाइज अब हम लोग यहाँ पर फुली प्रिपेयर हो चुके हैं गाइज यहाँ पर एंडर ड्रैगन को जाके मार सके। तो वेट क्या करना भाई, चलो जल्दी से चलते हैं एंडर ड्रैगन को जाके मारते हैं एंड फिर वहाँ से गाइज हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे इलाइट्रा एंड गाइज यहाँ पर एमएलजी वगैरह करने के लिए गाइज मैं अपने साथ लेके चलूंगा एक वाटर बकेट। तो चलो अब जल्दी से चलते विलेज। तो ये आ गए भाई हम लोग यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड फटाफट से गज में अपना रेस्पॉन पॉइंट यहीं पे सेट कर देता हूँ। बाय चांस गज अगर हम लोग यहाँ पर मर गए तो गज हम लोग उतना चल के आना नहीं पड़ेगा, इसलिए गज मैं अपना रेस्पॉन पॉइंट यहीं पे सेट कर देता हूँ। तो अब जल्दी से गज हम लोग यहाँ पर एंड पोर्टल को एक्टिवेट कर देते हैं एंड जल्दी से चलते इसके अंदर। ओ भाई अब चलो जल्दी से चलते इसके अंदर एंड अब गाइस यहां पर एंडर ड्रैगन का मौत काफी ज्यादा नजदीक आ गया है। ओके तो भाई एंड में गाइस मुझे यहां पर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पॉन मिला है एंड भाई तुम लोग यहां पर देख सकते हो गाइस मैं यहां पर टोटल 10 मिनट से बकबक कर रहा हूं। अब इसके आगे गाइस मैं यहां पर कुछ भी नहीं बोलूंगा गाइस, आप लोग यहां पर खुद ही इस फाइट को एंजॉय करो। ओके तो भाई ये लगा इसको आखिरी शॉट एंड भाई यहाँ पर एंडर ड्रैगन का काम खत्म एंड जब तक गाइस ये एंडर ड्रैगन मर रहा है तब तक गाइस मैं यहाँ पर ड्रैगन के ब्रेथ को कलेक्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली भाई एंडर ड्रैगन का काम खत्म हुआ एंड वो देखो भाई वो रहा ड्रैगन का एग एंड गाइस यहाँ पर से गाइस मैं यहाँ पर कुछ एक्सपी को कलेक्ट कर लेता हूँ। यार कितने एक्सपी मिले भाई मुझे यहाँ पर टोटल 50 एक्सपी मिले, पर छोड़ो कोई ना भाई अब हम लोग यहाँ पर जल्दी जाते हैं इलाइट्रा लाने के लिए। पर सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर कुछ एंडर पर्ल को कलेक्ट कर लेता हूँ यार जब गाइस मैं यहाँ पर एंड सिटी में आ ही गया हूं। तो ये रहा भाई यहाँ पर एंड सिटी का एंड गेट एंड जल्दी चलते भाई इसके अंदर। ओके तो गाइस मैं यहाँ पर एंड सिटी में आ गया हूँ एंड अब गाइस मुझे फटाफट से ढूंढना होगा गाइस यहाँ पर एंड शिप जहाँ पे गाइस यहाँ पर इलेट्रा रहता है और उसको गाइस यहाँ पर आसानी से फाइंड करने के लिए गाइस मुझे यहाँ पर किसी भी एक डायरेक्शन में सीधे जाना होगा। पर गाइस मेरे पास तो गाइस यहाँ पर उतने ज्यादा बिल्डिंग ब्लॉक है नहीं जिससे गाइस मैं ब्रिजिंग करके जा सकूंगा, इसलिए गाइस मैं यहीं पर से यहाँ पर काफी सारे गाइस यहाँ पर एंड के ब्लॉक को माइन कर लेता हूँ। ऑल राइट गाइस तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पर टोटल इतने सारे एंड के ब्लॉक को कलेक्ट कर लिए। अगर गाइस यहाँ पर कम पड़ेगा तो गाइस मैं यहाँ पर फिर से आइलैंड से ले लूंगा, मेरे पास तो गाइस यहाँ पर डायमंड के पिकैक्स है ही। तो चलो गाइस अब हम लोग यहाँ पर इस वाले डायरेक्शन गाइस हम लोग यहाँ पर सीधे ब्रिजिंग करते हैं एंड देखते हैं गाइस यहाँ पर मुझे कोई एंड शिप मिलता है या फिर नहीं। भाई फाइनली गाइस मुझे यहाँ पर एक एंड सिटी दिख गई एंड गाइस यहाँ पर लकीली बात तो ये है गाइस जिसके ऊपर गाइस यहाँ पर एंड शिप भी है। तो चलो भाई अब वेट क्या करना, चलो जल्दी से जाते हैं लूटपाट मचाना स्टार्ट कर देते हैं। ऑलराइट गाइस तो मैं यहाँ पर एंड शिप पे आ चुका हूं भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस बोल रहा यहाँ पर सामने में इलाइट्रा एंड गाइस मैंने यहाँ पर काफी सारे सर्कल को मार के गाइस यहाँ पर काफी सारे सर्कल सेल को भी कलेक्ट किए हैं। ओके तो सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट में से गाइस यहाँ पर लूट को चेकआउट कर लेते हैं। अबे भाई ये क्या है, आप तो कुछ भी लूट नहीं है, बस गाइस यहाँ पर मुझे यहाँ पर दो दो डायमंड के हॉर्स आर्मर मिल गए। कोई ना भाई यहाँ पे तो मुझे यहाँ पर दो दो डायमंड के हॉर्स आर्मर मिल गए, इस वाले चेस्ट गाइस मुझे यहाँ पर 7 डायमंड मिल गए भाई साहब। एंड गाइस आप लोग यहाँ पर इस शॉट को देखो भाई, ये यहाँ पर कितनी अच्छी खासी एंटेंटमेंट लगी हुई है आपसे। तो गाइस मैं यहाँ पर यही शॉट को यूज करूंगा गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस इसमें यहाँ पर फायर एक्सपेक्ट भी लगा हुआ है एंड गाइस मैं तो यहाँ पर शार्पनेस 5 के बुक इसमें लगा दूंगा तो गाइस यहाँ पर बन जाएगी डेंजर शॉट। एंड भाई पिकेक्स में तो उतना अच्छा खासा एंचेंटमेंट नहीं है, बट गाइस आप लोग यहाँ पर सबल को देखो यार भाई क्या ही एंचेंटमेंट है। एंड बाकी गाइस तो यहाँ पर सब लूट नॉर्मल है। एंड भाई ये आ गया हम लोग का इलाइट्रा, फटाफट से गाइस इसको रखते हैं अपनी इन्वेंटरी में। एंड भाई यार जाते जाते यहाँ पर एंड रोड को भी ले ही लेते हैं। ओके तो गाइस हम लोग का जो मिशन था जो कि गाइस यहाँ पर था एंडर ड्रैगन को मार के गाइस यहाँ पर इलाइट्रा को लेके आना, उसको तो गाइस मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। एंड भाई आप लोग यहाँ पर मेरी इन्वेंटरी में नजर डालो यार क्या ही लूट मिलती है गाइस यहाँ पर एंड सिटी में आने के बाद। एक चीज रह गया भाई इसके अंदर से गाइस मैंने यहाँ पर पोशन लिया नहीं, फटाफट से गाइस इसको भी रखते हैं। एंड भाई ऊपर से गाइस मुझे यहाँ पर एक सल्कर की आवाज आ रही, पता नहीं भाई ये कैसे बच गया मेरे से। ये देखो भाई ये जाते जाते गाइस मुझे यहाँ पर एक और सल्कर सेल दे दिया। वैसे तो गाइस मैंने यहाँ पर काफी सल्कर को भी मारे थे एंड गाइस उसने यहाँ पर सल्कर सेल को भी ड्रॉप किया था, लेकिन गाइस मैंने यहाँ पर कुछ सल्कर सेल को गाइस यहाँ पर एंडर चेस्ट में रख दिया था, उसको तो गाइस हम लोग यहाँ पर बाद में देख लेंगे। पहले गाइस यहाँ पर से ड्रैगन का हेड ले लेते हैं, लेट्स गो भाई ये आ गया हम लोग का ड्रैगन हेड। एंड अब गाइस हम लोग यहाँ पर फटाफट चलते अपने बेस पे। भाई ये देखो गाइस मैंने यहाँ पर जैसे ही कोरस फ्रूट को खाया गाइस मैं तुरंत नीचे आ गया। एंड भाई इधर से ना गाइस मैं कुछ कोरस के फ्लावर को भी कलेक्ट कर ही लेता हूँ।
ओके सो लेट्स गो भाई, अब चलते हैं गाइस हम लोग यहाँ पर आइलैंड पे, एंड वहाँ से गाइस यहाँ पर ड्रैगन एग को भी कलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स गो भाई, चलते अपने आइलैंड पे। ओ भाई साहब, यार ये देखो भाई, मुझे यहाँ पर एक ब्लॉक पे स्पॉन दिया भाई। मैं जैसे ही पीछे आऊंगा ना गाइस, मैं तुरंत गिर के मर जाऊंगा भाई। यहाँ पे मेरा सारा सामान अभी चला जाता है यार। फटाफट से गाइस मैं पहले इसको ठीक कर देता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो ये रहा हम लोग का ड्रैगन एग। गाइस मैंने तो यहाँ पर इसको कलेक्ट करने के लिए गाइस मैंने यहाँ पर टॉर्च लाए नहीं, उसकी तो भाई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं गाइस। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर सामने में टॉर्च है। तो चलो गाइस इसको फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं। ओके तो गाइस अब यहाँ पर फटाफट से लगाते हैं भाई इस पोर्टल के अंदर छलांग। एंड भाई ये देखो भाई, इसी को देखने के लिए गाइस हम लोग यहाँ पर एपिसोड 12 तक आ गए। एंड फाइनली आप देख रहे हैं गाइस यहाँ पर एंडर ड्रैगन मर चुका है। तो गाइस इसी के साथ गाइस मैंने यहाँ पर माइनक्राफ्ट को एंड कर दिया है। एंड वेट भाई, मैंने यहाँ पर सिर्फ माइनक्राफ्ट को एंड किया गाइस, अपने एपिसोड को नहीं। एंड भाई अभी तो गाइस मैं अपने सर्वाइवल में और भी गाइस यहाँ पर तगड़े तगड़े वीडियोस बनाऊंगा, इसलिए कह रहा हूं भाई आप लोग यहाँ पर अभी से सब्सक्राइब करके रखो। लेट्स गो भाई, अभी सबसे पहले भाई चलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर। ओके तो गाइस मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर आ चुका हूँ, जो कि गाइस यहाँ पर एक विलेज में था। एंड भाई अब चलते हैं जल्दी से अपने बेस पे। बट वेट ए सेकंड भाई, ये क्या है? ओ भाई साहब, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस, मुझे यहाँ पर एक पिंक शिप मिली है। एंड भाई यहाँ पर इसको लगा गाइस, मुझे यहाँ पर दो या तीन बार गाइस मुझे यहाँ पर पिंक शिप मिल चुका है। एंड भाई सुनो, अगर गाइस यहाँ पर किसी नॉर्मल बंदे को गाइस ये पिंक शिप मिलता है तो वो लोग गाइस यहाँ पर इसको बांध के रखते हैं, लेकिन गाइस मैं लेट्स गो भाई, अब चलते अपने बेस पे। ओके तो गाइस मैंने जो यहाँ पर ड्रैगन हेड एंड भाई यहाँ पर ड्रैगन के अंडे को लेके आया था, उसको गाइस मैं फटाफट से यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके तो गाइस इसी के साथ गाइस मैंने यहाँ पर सारा मिशन कंप्लीट कर दिया। एंड भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर टोटल इतने सारे सामान मिले। एंड भाई यहाँ पर आधे सामान तो गाइस मैंने यहाँ पर एंडर चेस्ट में रख दिया है। एंड उसको गाइस यहाँ पर देखने के लिए सबसे पहले तो गाइस मुझे यहाँ पर क्राफ्ट करना होगा एंडर चेस्ट। एंड भाई तुम लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हो गाइस, यहाँ पर 16 मिनट से भी ज्यादा की वीडियो बन चुकी है। नॉर्मली गाइस मैं यहाँ पर इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनाता। एंड भाई लिटरली बता रहा हूं, इस वीडियो को बनाने में गाइस यहाँ पर 3 दिन से भी ज्यादा का समय लग गया। इसलिए गाइस प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बाकी गाइस मैं यहाँ पर तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।